सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन इन्फॉर्मेशन को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडमिशन इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के मेरिट लिस्ट के बारे में, और जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ अपडेट दे देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब भी मेरिट लिस्ट आएगी उस पर मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब भी मेरिट लिस्ट आएगी, और इसमें हम जान लेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे मेरिट लिस्ट कब तक आ रही है। तो सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और गूगल पे आपको टाइप करना होगा UPSMFSC। जैसे ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी टाइप करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट शो होगी। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों, इसको हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। अब आप यहां देख पा रहे होंगे वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंबाइंड पैरामेडिकल, देखो सिलेक्शन प्रोसेस 2021। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों, अभी जो है आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने कोई भी मेरिट लिस्ट वजह करके कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। अब हम जानते हैं एक मेरिट लिस्ट जो है आएगी। देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा। जैसे मेरिट लिस्ट आएगी, या तो ऊपर बने सेक्शन या तो नीचे बने, यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट का सेक्शन बना हुआ शो हो जाएगा जब भी मेरिट लिस्ट आएगी आपकी। तो यहाँ पे आपका सेक्शन मिलेगा शो होता हुआ। अभी जो है इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले वीडियोज बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि मेरिट लिस्ट जो है वो या तो 12 को आएगी या तो 13 को आएगी। अब दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि 14 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही अभी देखो 14 तारीख तक तो मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो चूँकि मंडे है आज, तो इस वीक में चांसेस हैं कि यानी कि इस वीक में 14 तारीख आज है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 19 तक जो चांसेस हैं तब तक मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब फॉर्म फिलअप होने वाला था 25 तारीख तक, ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये लोग मेरिट लिस्ट दे रहे थे 27 तारीख को, बट ऐसा नहीं हुआ। फॉर्म का फिलअप का डेट बढ़ चुका था 31 तक, और उसके बाद से 4 तक डेट बढ़ चुका था करेक्शन का, बट इन्होंने बहुत ही लेट किया इस बार। अब पता नहीं क्यों लेट हो रहा है, लेट शायद इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कई चरणों में हो रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों के उस पर लगाया जाता है, कार्यरत पे लगाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि इलेक्शन का इससे क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों होती है वो सब अंडर प्रोसेस होती है, अंदर की बात होती है जिसको पता नहीं चल पाती है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो अब जो मेरिट लिस्ट आने की चांसेज हैं वो जो है आपके या तो 14, 15, 16, 17, आप लोग देख लो 14, 15, 16, 17 इस डेट में तो मेरिट लिस्ट दोस्तों आ ही जानी चाहिए, क्योंकि अभी लोग बहुत लेट कर दिए, और जब लेट करेंगे ज़्यादा तो 17-20 जो है वो काफ़ी लेट से शुरू हो पाएगा, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसा ही लेट होता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई और भी क्वायरीज हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो और बाय द वे वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ के भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, जहाँ पर मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट, मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं अपडेट में रहता हूँ वहाँ पे, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को मैं थोड़ा कम देख पाता हूँ, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी जुड़ के पूछ सकते हो। एक और नोटिफिकेशन आपको मैं दे देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऐसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, लाइक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में मेडिकल कोर्सेज में, डिफार्मा कोर्सेज में, तो दोस्तों मैंने ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो डिप्लोमा इन फार्मेसी कट ऑफ, जानिए आपका एडमिशन होगा कि नहीं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो नंबर है कितने होने चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए। इस वीडियो को आप लोग जाकर के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। बाकी मैंने एक और वीडियो बनाया है DMLT के ऊपर, DMLT में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कैसे होगा आपका एडमिशन और कितने नंबर रहने चाहिए। और भी मैंने वीडियो बनाई है, वो बनाई है KGMU के ऊपर, अगर आपको KGMU में एडमिशन चाहिए आपको कितने नंबर रहने चाहिए जिससे आपको सीट आसानी से मिल जाएगी। और मैंने वीडियोज बनाया है दोस्तों, वो बनाया है मैंने फ़ीस को लेकर के,
फीस को लेकर के उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है इस बार। तो प्राइवेट कोर्स अगर आप करते हो, प्राइवेट कॉलेज से करते हो कोर्स को, तो आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, मतलब नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर लेना, क्योंकि फीस को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इतनी सारी वीडियोज मैंने बना रखी है, आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे हम ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।